मैं हूं गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज़। दोस्तों आज आपके लिए आई है मेरे चैनल पर ग्रीन चिली फ्राई की रेसिपी, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली, फटाफट से बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ग्रीन चिली फ्राई। तो अभी यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली लेकर रखी हुई है। ग्रीन चिली को मैंने वॉश कर दिया था और वॉश करने के बाद इसका पानी अच्छे से सुखा लिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हमें चीरा कैसे लगाना है। तो इस तरीके से एक एक ग्रीन चिली का ऊपर का हिस्सा निकाल लेंगे और इस तरीके से हल्का सा चीरा लगा दें। नीचे से अगर कोई कटवट है तो वो हटा दें। तो इस तरीके से चीरा लगाकर हम सारी ग्रीन चिली को तैयार कर लेते हैं। नीचे से ये जुड़ी रहेगी। तो चलिए मैं सारी ग्रीन चिली को पहले तैयार कर लेती हूँ। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि अगर ग्रीन चिली इस तरह से लंबी है तो आप इसे दो पार्ट में कर सकते हैं, और दो पार्ट में करने के बाद फिर इस तरीके से चीर दें। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी ग्रीन चिली को इस तरह से स्लिट कर लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर इस मिर्ची को फ्राई करने के लिए मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल, और ये रेसिपी जब हम लोग बनाते हैं सरसों के तेल में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो अभी तेल जो है हमारा गर्म हो रहा है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सौंफ का तड़का, साथ ही थोड़े से मेथी के दाने। दोनों चीज़ों को अच्छे से तड़का लेते हैं। तो सौंफ और मेथी के तड़कने के बाद हम डालेंगे ग्रीन चिली जो कि हमने स्प्लिट करके रखी है। और मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया एक बार, क्योंकि मिर्ची जो है तड़कती काफ़ी तेज़ है, साथ ही जो है इसकी खुशबू भी पूरे किचन में फैल जाती है। तो इसलिए पहले ढक्कन लगा दिया है, और ढक्कन लगा के इसे मैं छोड़ूंगी 10 सेकंड के लिए। तो चलिए अब एक बार हम लोग मिर्ची को चला लेते हैं। तो यहाँ पर मिर्ची को इस तरीके से चलाने के बाद और हम इसे वापस ढकेंगे 2 मिनट के लिए। ध्यान रखें कि 2 मिनट तक गैस की फ्लेम एकदम सिम होनी चाहिए, और 2 मिनट के बाद हम वापस से मिर्ची को चेक कर लेंगे। और जब तक हमारी यहाँ पर मिर्ची फ्राई हो रही है, आपको मिर्ची की आवाज़ें भी आ रही होंगी, तब तक हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। मैंने यहाँ पर एक पूरे लहसुन को अच्छे से छील लिया, इसकी सारी कलियों को मैंने अलग करके छिलके उतार लिए हैं। और चलिए देख लेते हैं कि अब इसका क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा खल लिया हुआ है जिसमें कि हम लोग अपने सूखे मसाले वगैरह कूटते हैं, और इसमें हम डाल देंगे सारे लहसुन को। और उसके बाद से जो है हम यहाँ पर लहसुन के क्रश तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से लहसुन को कूट लें। तो 2 मिनट हो गए हैं, चलिए हम मिर्ची को चेक कर लेते हैं। और मैंने जो है मिर्ची को बीच में एक बार चला दिया था, तो कुछ मिर्ची हमारी सॉफ्ट भी हो गई है, अच्छे से फ्राई हो गई है मिर्चियाँ। और अब टाइम है इसमें कुछ मसाले ऐड करने का। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इन मिर्चियों का कलर जो है बहुत ही अच्छा सा आता है। साथ ही नमक स्वादानुसार, इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे भुने जीरे का पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो अभी जो है हमारी मिर्ची फ्राई में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब टाइम है एक दो चीज़ें और ऐड करने का। और अब यहाँ पर इस मिर्ची में जाएगा वो गार्लिक कुटा हुआ जो हमने कूट कर पहले ही रख लिया था। अच्छे से मिला लेते हैं। और गार्लिक डालने के बाद ध्यान रखें कि गैस को फटाफट से बंद कर दें, क्योंकि ये जो गार्लिक हैं इनको हमें फ्राई नहीं करना, बस मिर्ची के साथ मिक्स करना है। और इस तरीके से जो गार्लिक का टेस्ट है, यानी कि कच्चे गार्लिक का, वो बहुत ही अच्छा आता है। और एक बात और कहूँगी कि अगर आप लोग लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन को स्किप कर दें, सिर्फ मिर्ची से आप ये रेसिपी बना लें। और अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम डालेंगे खटास के लिए, वो है वाइट विनेगर। अच्छे से मिला लेते हैं। और आपने यहाँ पर देखा दोस्तों कि मैंने ना ही अमचूर पाउडर का यूज़ किया है, ना ही लेमन जूस डाला है, बल्कि मैंने यूज़ किया है विनेगर, जो कि इस मिर्ची फ्राई को देगा एक डिफरेंट सा टेस्ट, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट। और बहुत ही अच्छी लगती है इस तरीके से विनेगर वाली मिर्ची। तो आप भी इस तरीके की मिर्ची बनाइए, पराठे या रोटी के साथ इंजॉय करिए, या फिर कभी आपने वड़ा पाव बनाया है, कुछ भी बनाया है घर में, तो उसके साथ ये मिर्ची आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है मिर्ची।
तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी अपने नई रेसिपी के साथ नए वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।